हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। दिस इज मी अंशु वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। सो एमएनएस एस्पिरेंट्स, आई नो यू आर वेटिंग फॉर एमएनएस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेशन 2023 फॉर लॉन्ग। यस, बहुत ज्यादा वेट हो रहा है एंड कोई अपडेट भी नहीं आ रही है। अगर हम बात करें ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो टिल नाउ एमएनएस सेशन के रिगार्डिंग, बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। यस, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आए थे एंड एनटी की वेबसाइट पर मेंशन किया गया था कि एमएनएस एस्पिरेंट्स को भी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। बट अगर हम बात करें एमएनएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां अभी तक, अभी मई का लास्ट वीक है, लेकिन स्टिल अभी बीएससी नर्सिंग एमएनएस के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हमें ये लग रहा था कि जो नीट का एग्जाम है वो होने के बाद विद इन अ वीक शायद एमएनएस की एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। तो काफी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं या कंफ्यूज हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमएनएस के फॉर्म आ चुके हैं लेकिन उनसे मिस हो गए हैं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, अभी तक एमएनएस के जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2023 के लिए, वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। सो जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फॉर्म है एमएनएस के वो नीट के बाद आ जाए, तो 7 मई को नीट का एग्जाम हो गया था, बट अभी तक भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि कब तक आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। तो गाइज, अभी इतना तो तय है कि नीट के रिजल्ट से पहले तो आ ही जाने चाहेंगे, बल्कि आ जाएंगे। ठीक है, तो नीट के रिजल्ट की बात करें तो जून के लास्ट वीक या मिड ऑफ द जून एक्सपेक्ट है कि नीट के रिजल्ट भी आ जाए। तो मान के चलिए कि 15 डेज, आप हम सोच सकते हैं कि 15 डेज तक नीट का रिजल्ट आ जाता है, या फिर 20 डेज। तो नीट के रिजल्ट से पहले एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए, बिकॉज नीट का जो स्कोर है ना, आपको वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जब आप फॉर्म फिल करेंगे, वहां पर आपको अपलोड करना होगा, अपडेट करना होगा अपना स्कोर, सो दैट आपका जो फर्दर प्रोसेस है एमएनएस सीबीटी के लिए, जिसमें आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एग्जाम रहेगा, एंड उसके बाद आपको पैट देना होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, एंड आफ्टर दैट आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है। तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात ये आती है कि फॉर्म क्यों नहीं आए हैं, तो इसका कोई भी अपडेट, कोई भी रीजन अभी तक नहीं पता है। बट यस, नीट के रिजल्ट तक तो आ ही जाएंगे, या नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आ जाने चाहिए, और 100% आ जाएंगे। अभी हम सोच रहे थे कि एग्जाम के बाद आएंगे, बट यस, रिजल्ट के आने के बाद या रिजल्ट के आने से पहले आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के फॉर्म 100% आ जाएंगे, और इसका अपडेट इस चैनल पर यानी अंशुस कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल अंशुस कॉर्नर से कनेक्टेड रहिएगा, जैसे ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अंशुस कॉर्नर इस चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। सो गाइज, वेट करते हैं, थोड़ा और वेट किया है, अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अब जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो फुल नोटिफिकेशन, फुल पीडीएफ फाइल जो भी रहता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, वो सारी मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगी। सो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।